नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में कल क्या कुछ हुआ आप सभी ने देखा। कल 10,459 पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र दिया गया और इसका गवाह पूरा बिहार बना। इस दौरान नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों ने ही मंच पर कई सारी बातें कही, बिहार के विकास को लेकर भी, बिहार में रोजगार के सृजन को लेकर भी और बिहार में युवाओं को दी जाने वाली सरकारी नौकरी को लेकर भी। नीतीश कुमार ने इसी दौरान मंच से बोलते हुए बड़ा ऐलान भी किया और ये कहा कि आने वाले दिनों में बिहार पुलिस में कई हजार पदों पर भर्ती होने वाली है। बिहार के युवाओं के लिए नीतीश कुमार ने एक तरह से गुड न्यूज दिया है, खुशी का डबल डोज दे रहे हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर के। अब युवाओं के रोजगार और उनके सरकारी नौकरी के लिए सरकार कितना कटिबद्ध है, ये गांधी मैदान के मंच से जो कुछ भी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने कहा आप सभी ने सुना और अंदाजा लगाया। लेकिन अब नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है और ऐतिहासिक गांधी मैदान में पुलिस कर्मियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरण करने के बाद संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बिहार पुलिस में 44,000 स्वीकृत पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति की घोषणा की है। सीएम नीतीश कुमार ने इन पदों पर भर्ती के लिए पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बिहार में कानून का राज है, सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि यहां पर कानून का राज है, यहां पर कानून का राज कायम रखने के लिए ही पुलिस कर्मियों को भी बहाल किया जा रहा है। एक से कई हजार पदों पर पुलिस कर्मियों की बहाली होनी है। नीतीश कुमार ने यह तक कहा। आपने कल किस प्रकार मंच पर बोल रहे थे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, यह भी सुना और यह भी कहते सुना कि बिहार में पुलिस कर्मियों की ही बहाली नहीं, जितने भी विभाग हैं उन सभी विभागों में पदों को सृजित भी किया जाएगा और जो रिक्त पद हैं उन सभी पदों को भरा भी जाएगा। और तेजस्वी यादव ने कल ही अपने संबोधन के बाद भी उन्होंने देर रात एक ट्वीट किया था और ये ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा था, शाम में ही ट्वीट किया था और बताया था कि बिहार में अब 10,000 नौकरी एक एक दिन में दी जा रही है और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का निशाना केंद्र सरकार की ओर भी रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में 1,00,000 की आबादी पर 115 की जगह अब 160 से 170 पुलिसकर्मी बहाल किए जाएंगे। इस नियुक्ति के लिए सीएम ने शीघ्र ही नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजने को भी कहा है। और आपने देखा कि कल मंच पर किस प्रकार नीतीश कुमार जो है अधिकारियों को कहते हुए नजर आ रहे थे कि जल्दी काम कीजिएगा ना, खड़ा होकर बोलिए, क्यों नहीं बोलते हैं, चुपचाप क्यों बैठे हैं और मैं जो कहता हूं वो किया कीजिए, ये सारी बातें नीतीश कुमार कह रहे थे। और इस बात से लग रहा था कि नीतीश कुमार कितने गंभीर हैं इस बात को लेकर के कि अब बिहार में रोजगार और सरकारी नौकरी कितना बड़ा मुद्दा बन गया है और इस मुद्दे पर अगर सरकार काम नहीं करती है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, तो अब बिहार के युवा जो है वो साइड में कर देंगे। इस बात को कहीं ना कहीं ये सरकार समझती है और तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं अपना वादा निभाते हुए भी नजर आ रहे हैं इन्हीं सभी नियुक्तियों को देने के बाद। और नीतीश कुमार भी अब तेजस्वी यादव के साथ हो लिए हैं क्योंकि उन्होंने भी अपने ऐलान कर दिए थे गांधी मैदान से ही और कहा था कि 10,00,000 रोजगार भी सृजित किए जाएंगे। अब ऐसे में नीतीश कुमार ने और तेजस्वी यादव ने जो ऐतिहासिक गांधी मैदान से इतिहास को दोहराया है, इतिहास को इसलिए दोहराया है क्योंकि कभी कर्पूरी ठाकुर ने मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार के इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र का वितरण किया था और यह दूसरी मर्तबा है जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने खुले मन से संबोधन भी किया है और गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण भी किया है नवनियुक्त पुलिस कर्मियों के बीच में। इस दौरान नीतीश कुमार के ऐलान से बिहार के युवाओं में एक उम्मीद जगी है और यह कहा जा रहा है कि 44,000 पदों पर जब बहाली निकाली जाएगी तो बिहार में कई ऐसे युवा हैं जो सुबह में जग करके रात में जाग करके सड़कों पर दौड़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं ताकि बिहार पुलिस में आकर के राज्य की सेवा कर सके, लोगों की सेवा कर सके। ऐसे युवाओं का सपना अब साकार होने वाला है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।